का क्या प्रोग्राम है आपका? मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ, तो आगे मैं नीट के लिए जाना चाहती हूँ और इंशाल्लाह राइटिंग भी करूँगी। हाँ, ये तो जरूरी करनी है जी, क्योंकि इसमें आपका टैलेंट बढ़िया है। हमारी तरफ से जो भी मदद चाहिए हम 110% आपको सपोर्ट करेंगे, और हम इसका ये जो रिलीज है ये अच्छी तरह से करेंगे, ठीक है। और भी कुछ भी हो आप हमें कॉल कर सकते हो, कभी किसी चीज में। सब इसके जो पेरेंट्स थे ना, 3 साल की उम्र में, छोटी थी, तीन महीने की थी तो उसका वालिद साहब दुकान पे गोली का शिकार हो गए। उसकी माँ है और एक भाई है, बस भाई था 18 महीने का, तो ये थी 3 महीने की। इसने अपने बाप को नहीं देखा था जिंदगी में, तो अपना नाम बताइए, कहाँ से आपने आपकी इब्तदाई तालीम हासिल की? मेरा नाम सीरत मंजूर जरगर है, मैं क्रीरी बारामला में रहती हूँ। मैंने अपनी नर्सरी टू नाइन्थ की स्कूलिंग जो मेरी रही है वो बडिंग ब्लूम एक्सपेरिमेंटल स्कूल ख्वाजा बारामला से रही है। उसके बाद मैंने गवर्नमेंट क्रीरी हायर सेकेंडरी में एडमिशन लिया एंड आई एम नाउ इन क्लास 11th, और मेरी कोचिंग चल रही है यूनाइटेड स्टडी सर्कल से। राइटिंग कब से आपने स्टार्ट की? मैं 9th क्लास में थी जब मैंने राइटिंग स्टार्ट की। क्या आजकल के बच्चों के लिए क्या मैसेज रहेगी? जैसे पहले भी कहा कि जो बच्चों को अपने जो है बचपन में ही खो जाते हैं, तो उनके लिए फिर डिप्रेशन में जाते हैं या गलत काम में मुलव्वस होते हैं, उनके लिए क्या मैसेज रही? जैसा कि हमें आज देखने को मिल रहा है कि लोग सुसाइड्स की तरफ जाते हैं, ड्रग अब्यूज की तरफ जाते हैं, ऐसा नहीं है। हमें खुद को, यूथ को मैसेज पहुंचानी यही है कि अवेयर करना है लोगों को क्या गलत है और क्या सही है, और मोटिवेटेड रहना है हमेशा के लिए। राइटिंग आपका पेशन है या डॉक्टर? दोनों। राइटिंग कब से आपने स्टार्ट की? राइटिंग हॉबी है एंड पेशन, इंशाल्लाह गोल जो है वो डॉक्टर ही है। क्या मैसेज रहेगा आपका उन स्टूडेंट्स के लिए जो आज अपनी मेहनत में मजबूर नहीं रहते? मैं कश्मीर के स्टूडेंट से यही मैसेज है मेरी कि नई से नई ज्यादा चीजें इन्वेंट करो, डिस्कवर करो, बिकॉज हमें सबको पता है कि कश्मीर के बच्चों को उतना प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है खुद को प्रूव करने के लिए, तो मोटिवेटेड रहो और नई से नई चीजें इन्वेंट करते जाओ। आपने अभी बोला कि मेरा एम है डॉक्टर, और अभी आप राइटिंग में अपना टाइम दे रहे हो, कितने टाइम में आपने इस बुक को लिखने में आप इसके साथ रहे? 2 साल लगे मुझे बुक को कम्प्लीट करने में। एक्चुअली मेरी बुक में जो है 28 पोएम्स है, तो इनको 2 साल लगा मुझे कम्प्लीट करने में। क्या नाम है इस बुक का? माई लॉस्ट चाइल्डहुड। थैंक यू वेरी मच।